और यहाँ पर हम लोग रिवर्सल ट्रेड तभी लेते हैं जब हमें कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एफएनओ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर हमें आज के दिन एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट को कंटिन्यू करता है तो हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक की। पहला स्टॉक है हमारे पास बॉश लिमिटेड का, और ये रहा इसका चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि हमने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है, क्या हमारा एंट्री प्राइस होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारे पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वो है डेली का। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था अराउंड 22,600 के आसपास, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 24,000 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिले होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आपने लास्ट टाइम अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। बट सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं ये जो 24,000 का जो लेवल है ये लास्ट टाइम हमें अगस्त 2017 में देखने को मिला था, एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। एनी ब्रेकआउट विच हैपन आफ्टर 1 ईयर इज नोन एज मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। तो इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर ये स्टॉक 24,200 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 22,200 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,000 का, सेकेंड टारगेट है 26,750 का, एंड थर्ड टारगेट है हमारे पास 28,000 का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है मनापूर्णा फाइनेंस का, मनापुरम फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, चीज़ों को बिल्कुल ही आसान रखना है, और आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि जो 183 का जो लेवल है ये लास्ट टाइम हमें नवंबर 21 में देखने को मिला था, एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के बाद। तो पहला रीजन इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का है वो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। उतना ही नहीं, आप एक यहाँ पर पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं राउंड बॉटम पैटर्न, जिसका हमें आज के दिन एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो सेकेंड रीजन इस स्टॉक को जो सिलेक्ट करने का है वो है राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। उतना ही नहीं, आप एक यहाँ पर पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये जो स्टॉक था काफ़ी लंबे समय से छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था, एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो इस रेंज को हम लोग कंसोलिडेशन जोन या बॉक्स पैटर्न कहते हैं, एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर ये स्टॉक 190 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 168 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 195 का, सेकंड टारगेट है 215 का, एंड थर्ड टारगेट है 225 का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है बजाज फाइनेंस का, और ये रहा इसका चार्ट। सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि जो अभी जो स्टॉक है अपने सपोर्ट पर खड़ा है। जैसा कि आप यहां पर नोटिस करेंगे, प्राइस ने इस लेवल को टच किया, एंड अपसाइड में एक बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिला। आप यहां पर भी देख सकते हैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं, और आप यहां पर भी देख सकते हैं, और आप यहां पर नोटिस करेंगे प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि इस लेवल से हमें हमेशा एक अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, आप यहां पर यह भी नोटिस करेंगे जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउनसाइड में भी हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि स्टॉक एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां से प्राइस अगर अपसाइड में जाता है तो भी हमें एक बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे, और अगर प्राइस डाउनसाइड जाता है तो भी हमें एक बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। और आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये जो स्टॉक है कंसिस्टेंटली इसका जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन डाउन ट्रेंड। और यहां पर हम लोग रिवर्सल ट्रेड तभी लेते हैं जब हमें कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, बट अभी तक हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिला है, तो हम लोग अपना इसका जो व्यू है वो डाउन साइड में बना के रखेंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लेवल को डिस्कस करूंगा। तो अगर ये स्टॉक 6750 का अगर नीचे निकलता है तो हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग है जो कह रहा है 7100 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर।
अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6500 का, सेकंड टारगेट है 6200 का, एंड थर्ड टारगेट है 5900 का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है नौकरी का, और ये रहा इसका चार्ट। अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो 4900 का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जब प्राइस इसके नीचे रहता है तो सेम लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब भी प्राइस इस लेवल को टच करता था, हमें डाउन साइड में एक मूव देखने को मिलता था। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, अप साइड में बड़ा मूव, रीटेस्ट करता है, और फिर एक यहाँ पर बड़ा मूव। बट आप यहाँ पर रिसेंटली नोटिस करेंगे कि दो बार प्राइस जो इस लेवल को टच कर रहा है और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और प्राइस जो है लगातार गिर रहा है। तो जो हमारा व्यू होगा वो डाउन साइड में ही होगा, कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, दैट इज 4900 का लेवल, तो हमें डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर ये स्टॉक 4850 के अगर नीचे निकलता है, तो हमें डाउन साइड में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग हाई जो कि आ रहा है 5075 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4750 का, सेकंड टारगेट है 4550 का, एंड थर्ड टारगेट है 4250 का। अब आइए देखते हैं आज का लास्ट स्टॉक, और ये है SBI कार्ड का, और ये रहा इसका चार्ट। अगेन सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि अभी जो प्राइस है अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। प्राइस इस लेवल को टच करता है, अप साइड में एक बड़ा मूव आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी नोटिस कर सकते हैं, और यहां पर और यहां पर। तो प्राइस एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिवर्सल ही देखने को मिलता है। और आप यहां पर यह भी नोटिस करेंगे, जो स्टॉक का प्राइस है कंसिस्टेंटली गिर रहा है, और इसने काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना रखा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तभी हम लोग इसमें बाय की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज जो हमारा व्यू होगा वो डाउन साइड में ही होगा। अब आइए लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये स्टॉक 705 रुपीज़ के अगर नीचे निकलता है, तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग हाई जो कह रहा है 735 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 695 का, सेकेंड टारगेट है 675 का, एंड थर्ड टारगेट हमारे पास आ रहा है 655 का। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।